नमस्कार, मेरा नाम तनवीर आलम है और आप देख रहे हैं बिहार झारखंड के सबसे बड़े यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को। धारा 370 को लेकर के हर तरफ सियासत गर्म है, तो वहीं जदयू के राज्यसभा सांसद ने फिर से अपना स्टैंड क्लियर किया, यानी कि पार्टी का स्टैंड उन्होंने क्लियर करते हुए कहा कि 1996 से ही हमारी पार्टी धारा 370, 35A, ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों से हमेशा से अलग ही रही है। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह। देखिए, हम लोग एनडीए के सहयोगी हैं, एनडीए में हैं और जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं उस पर 1996 से ही हम लोग का स्टैंड अप जाना। क्या माना इस बार कुछ अलग रहेगा या वही रहेगा? वो तो अब हो ही चुका, तो राज्यसभा में भी हमारे लोगों ने बोल दिया, लोकसभा में भी बोले होंगे। पार्टी के अंदर भी कई विधायक हैं जो इस बारे में उठा रहे हैं कि ये समर्थन होना चाहिए था। देखिए, होता क्या है ना कि व्यक्तिगत राय सबकी हो सकती है, लेकिन आप सब जानते हैं कि 1996 से ही हमारे नेता जो नीतीश बाबू ने और उसमें जॉर्ज साहब थे, जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे, जब एनडीए बना तो उसमें इस मुद्दे पर हम लोगों की अपनी एक राय थी और उस राय से जो भारतीय जनता पार्टी के लोग वो भी अवगत हैं। बलिया जी कह रहे हैं सर कि हमारा एनडीए केंद्र में समाप्त हो चुका है, बिहार में भी सोचेंगे। बिहार में भी इसका असर पड़ेगा क्या? वो क्या है बलिया जी, आपके विधान पार्षद हैं, वैसे ऐसे विधान पार्षद हमारे बहुत हैं, समझे ना। ये लोग का इस तरह गैर जिम्मेवार जो स्टेटमेंट देते हैं ना, उनसे बचना चाहिए। सर, क्या लगता है सर ये इसका असर बिहार पे भी पड़ेगा? अरे क्या असर पड़ेगा, हम लोग एकजुट हैं। अभी तो चुनाव लड़े हैं जी, 40 में 39 जीते हैं, अब 243 पर चुनाव होगा, फिर हम लोग ज़्यादा ज़्यादा कहता है सर कि गुड़ खा रहे हैं, गुलगुल्ला से परहेज रखते हैं। अरे उनको ना गुड़ बचेगा ना गुलगुल्ला बचने वाला है, एक भी सीट मिली उनको, साफ हो गए। तभी जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें कुछ मिलने वाला है उनको, सब दुकान बंद हो जाएगी। तो सुनिए, आपने आरसीपी सिंह ने साफ तौर पर कहा कि पार्टी का स्टैंड जो कुछ है वो हमने सामने रख दिया। वही उनके विधायक जो 370 को लेकर के अलग अलग बयान दे रहे हैं या उनके एमएलसी जो बयान दे रहे हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि ये उनके बयान हो सकते हैं, मगर पार्टी का जो स्टैंड है वो 1996 से क्लियर है कि धारा 370, ट्रिपल तलाक, 35A जैसे मुद्दों पर बीजेपी के साथ जदयू नहीं खड़ी हो रही है। बहरहाल, आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले, ताकि बिहार की तमाम बड़ी छोटी खबरें आप तक सबसे जल्दी पहुंच सके। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए livecities.in पर जरूर जाए।